हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का इस वीडियो पे स्वागत करती हूँ। आज हम रात कचौड़ी बनाएंगे। रात कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में एक कप मैदा, एक चौथाई कप सूजी, आधा चम्मच सोडा और एक चम्मच तेल डालेंगे। और सभी को मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे। हम इसका पूरी जैसा ही डो तैयार करेंगे। डो तैयार है। अब इसे ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब हम तेल को गरम कर लेंगे। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक हम कचौड़ी तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम डो को फिर से गूंथ लेंगे। अब इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। अब हम इनको बेल लेंगे। इसके लिए एक लोई लेंगे और इसे मैदे से कोट कर लेंगे। हम इसे सिर्फ एक ही बार कोट करेंगे। अब इसको बेल लेंगे। ध्यान रहे तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए जिससे रात कचौड़ी अच्छे से फूल जाए। देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब हम कचौड़ी को फ्राई कर लेंगे। तेल को इस तरीके से कचौड़ी के ऊपर डालते हुए इसे फ्राई करेंगे। देखिए कचौड़ी बन चुकी है। हम इसे ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, इसे हल्का व्हाइट होने पर ही निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी कचौड़ी भी बना लेंगे। सारी कचौड़ी बन चुकी है। अब इन्हें हम 10 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि क्रिस्पी हो जाए। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। दस घंटे हो चुके हैं। देखिए सारी कचौड़ी अच्छे से टाइट हो चुकी है। अब हम राज कचौड़ी बनाएंगे। इसके लिए कचौड़ी लेंगे और इसे बीच में से फोड़ लेंगे। अब इसमें फिलिंग भरेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ उबले हुए काले चने, कुछ उबले और कटे हुए आलू, कुछ कटे हुए केले सा, मीठा दही नमक छोटी छोटी मठरी जिसे हम क्रश करके डालेंगे।
दोबारा से दही डालेंगे। इस बार हम चारों तरफ से डालेंगे। थोड़ी सी इमली की चटनी, अगर आप जानना चाहते हैं कि इमली की चटनी कैसे बनती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। अब इसमें हरी चटनी, एक बार और दही डालेंगे। दही डालने से ये और भी स्वादिष्ट बनता है। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, कुछ कटा हुआ हरा धनिया, और सेव नमकीन डालेंगे। सारी फिलिंग हो चुकी है। आप अपने अकॉर्डिंग भी फिलिंग कर सकते हैं, जैसे आप इसमें दाल पकौड़े, प्याज और भी सारी चीजें डाल सकते हैं। राज कचौड़ी बनकर तैयार है। ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आप इसे अपनी फैमिली में जरूर ट्राई कीजिएगा, ये सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।